now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अशोक लेलैंड इस कंपनी का शेयर जो है बहुत ज़्यादा बीच में गिरावट दिख रहा था, उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से अशोक लेलैंड का शेयर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपका शेयर करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस को लेके क्या अपडेट है इस स्टॉक का, वो भी हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, SNAPSY प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन है, ज़रूर इसको डाउनलोड कीजिए, रेटिंग दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रोडक्ट वगैरह बाय कर सकते हैं इस हिसाब से, और जो इसका डिस्क्रिप्शन में जो है हम लोग इसका लिंक भी दे देंगे। तो अभी देखिए अशोक लेलैंड का दोस्तों, बहुत बार देखेंगे तो दिग्गज लोगों का मानना था कि ये स्टॉक जो है एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, रिटर्न ज़बरदस्त ये स्टॉक में देखने को मिला है। अगर आप ये शेयर छोटा प्राइस में लिया है, मतलब कम प्राइस में अगर आपने स्टॉक को खरीदा रहेगा, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला रहेगा। तो अभी यहाँ पे 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड के शेयर में लगभग 13.68% का जो है रिटर्न देखने को मिला है, 13.68% का जो है ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है एक 6 महीने के अंदर। वही बात करते हैं 1 मंथ के अंदर दोस्तों, तो 1 मंथ के अंदर 0.50% का गिरावट दिखाया इस स्टॉक ने, एंड यहाँ पे जो है देख सकते हैं 5 डेज के अंदर ये शेयर में जो है लगभग 3.25% का तेजी देखने को मिला है, 1 डे में 0.04% का गिरावट दिया गया शेयर। फिलहाल लगता है कि स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा गिरावट दिखा सकता है। तो यहाँ पे जिसके पास भी अशोक लेलैंड का शेयर है दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ पे आपको जो है थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए जो हमें लगता है। तो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट्स में से देख सकते हैं, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो है बाई करके चल सकते हैं अशोक लेलैंड के शेयर में। 88% कह रहा है बाई करने के लिए, होल्ड करने के लिए कह रहा है 5%, सेल करने के लिए कह रहा है 8%, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है एनालिस्ट शेयर मार्केट के, उन लोगों का मानना है कि स्टॉक में जो है बाई करके चल सकते हैं, 88% का मानना है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग का जो इन्फॉर्मेशन पैटर्न वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन है, तो दिसंबर 2021 क्वार्टर तक प्रमोटर्स के पास स्टेक था 51.54% का, एंड मार्च 2022 क्वार्टर में 51.54% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास जो है दिसंबर 2021 में स्टेक था 15.05% का, एंड यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जो स्टेक यहाँ पे कम किया है 13.45% कर दिया है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक कम किया है। म्यूचुअल फंड के पास स्टेक था 14.08% का, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है 15.43% का कर दिया है। रिटेल एंड अदर्स के पास स्टेक था 13.56% का, एंड यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल एंड अदर्स के बाद जो है 13.83% का स्टेक है, मतलब यहाँ पे जो स्टेक बढ़ाया है इन लोगों ने। एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास स्टेक था 5.77% का, और यहाँ पे जो है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्टेक घटाया है। यहाँ पे ऐसे कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है जिसके चलते अभी लग रहा है, मतलब स्टॉक में अगर देखेंगे अशोक लेलैंड का, फिलहाल अगर आप इसका जो है टेक्निकल वगैरह देखते हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट बने। फिर भी कुछ कुछ दिग्गजों का मानना है अशोक लेलैंड के शेयर में एक तेजी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड का जो अपडेट आया है स्टॉप लॉस या फिर टारगेट प्राइस को लेके, 150 के टारगेट प्राइस के लिए कहा जा रहा है कि आप अशोक लेलैंड के शेयर को खरीद सकते हैं, 150 का टारगेट प्राइस, तो एक जबरदस्त टारगेट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो स्टॉप लॉस है दोस्तों 135 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको रखना है, ऐसा बताया जा रहा है। तो 135 का स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं अशोक लेलैंड के शेयर में 150 के टारगेट प्राइस के लिए। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है अशोक लेलैंड का। यहाँ पे टारगेट प्राइस ₹150, स्टॉप लॉस ₹135, अनलेस इट इज ट्रेडिंग बिलो ₹135, पोजिशनल ट्रेडर्स कैन रिटेन एन ऑप्टिमिस्टिक स्टेंस एंड लुक फॉर ए टारगेट ऑफ ₹150 विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड बिलो 135। तो यहाँ पे 135 का एक स्टॉप लॉस रख के जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे खरीदने का सोच सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट दिया गया है कोटक सिक्योरिटीज से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर श्रीकांत चौहान, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज। तो अगर आप अशोक लेलैंड के स्टॉक में अभी खरीदारी करते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही जो है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अगर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है, तो फिलहाल अगर आपने ये शेयर ले ही लिया है,
तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो खरीदारी नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गिरावट बनता है। और अगर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर समझते हैं स्टॉक में, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा गिरावट बन रहा है और आप शेयर में होल्ड कर सकते हैं, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब होल्ड नहीं करना कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि फिलहाल जो है स्टॉक में एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के खरीदारी करके चल सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है हम लोग कह रहे हैं कि आपको जो अशोक लेलैंड का शेयर खरीदना है या बेचना है। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था अशोक लेलैंड के शेयर में क्या चल रहा है, अशोक लेलैंड को लेकर क्या अपडेट है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।